हाय दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा टैली शॉर्टकट कीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैली शॉर्टकट कीज है। अराउंड 7-8 ईयर्स का एक्सपीरियंस में मैं सीखा हूँ ये सब। तो यहाँ पे आप देखते रहिए, ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। बहुत ही यूज़फुल होगा, आपको आपका टाइम बहुत सेव करेगा। अगर टैली यूज़र है तो आपको टैली एक्सपर्ट बना देगा ये। अगर नया है तो ये शॉर्टकट कीज़ आप याद रखिए, या अभी टैली एक्सपर्ट की तरह यूज़ करने के लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ थोड़ा लिस्ट आउट किया हूँ, बहुत सारे हैं, मैं एक अराउंड 30 लिस्ट आउट किया हूँ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, एंड तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है। कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, मैं सिखाऊंगा सब कुछ। और इसका की कॉम्बिनेशन एक एक सेम है, मगर उसका अलग अलग स्क्रीन में अलग अलग यूजर्स हैं। ये सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, वीडियो एंड तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन है ऑल्ट एंटर। ठीक है, ऑल्ट एंटर का क्या है मैं सिखाऊंगा आपको। ऑल्ट एंटर आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, ऑल्ट एंटर जो शॉर्टकट की है टैली में नहीं दिखेगा। इसका यूज़ है, फॉर एग्जांपल आपको डिस्प्ले से एक सेल्स इनवॉइस प्रिंट करना है। ठीक है, डिस्प्ले डे बुक से सेल्स इनवॉइस प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल आप यूज़र हैं, आपको परमिशन है सिर्फ व्यू करने का और प्रिंट करने का। ठीक है, नॉर्मली डे बुक से प्रिंट किया तो ये जो भी स्क्रीन में दिख रहा है वैसा ही प्रिंट होगा, मगर मुझे वैसा नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट जो दिख रहा है कैश का, या सेकंड जो दिख रहा है, ये 425 का, ये सिर्फ मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ से मुझे परमिशन है, मगर यहाँ से प्रिंट नहीं कर सकता हूँ। तो क्या करना है इसके लिए, एक की कॉम्बिनेशन है शॉर्टकट की, ऑल्ट एंटर। ऑल्ट एंटर प्रेस किया तो ऐसा ओपन होगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप ऑल्टर का परमिशन नहीं है तो भी प्रिंट कर सकते हैं सेल्स इनवॉइस का। यहाँ से ऑल्ट एंटर करके यहाँ से प्रिंट लिया तो नॉर्मल प्रिंट फॉर्मेट, जो भी सेल्स इनवॉइस का प्रिंट फॉर्मेट है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड वन है ऑल्ट सी, ये पार्टी का एड्रेस डिटेल्स निकालने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको इसका मैं एक एड्रेस डालूंगा। अच्छा, बैंगलोर। ठीक है, 1, 2, 3, कुछ ऐसा एड्रेस है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल उनका लेडजर स्टेटमेंट में है, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेडजर, ये पार्टी का लेडजर स्टेटमेंट में है। आप उनका बैलेंस कुछ देख रहे हैं, उनको कॉल करना चाहते हैं, आउटस्टैंडिंग इतना बैलेंस है, कुछ बात करने के लिए कॉल करना चाहते हैं, तो वो बाहर जाके वहाँ से लेडजर ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में जाके देखना पड़ता है नॉर्मली। यहाँ से शॉर्टकट की एक है, यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो है ऑल्ट सी दबाए तो यहाँ पूरा आपको मिलेगा। कॉन्टेक्ट नंबर डाला है तो कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑल्ट सी यूज़ कीजिए, और लेडजर में जो भी उनका इन्फॉर्मेशन सेव करके रखा है वो पूरा एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर पूरा यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से आप लेके कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑल्ट सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, कॉपी पेस्ट के लिए। टैली से कैसा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, टैली में बाहर से कॉपी करके टैली में पेस्ट कर सकते हैं, या टैली से पेस्ट कॉपी करके टैली से ही टैली में ही पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम ऑलरेडी एक्सेल में है मेरे पास, मगर फिर से यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ टाइप करने से अच्छा कॉपी पेस्ट ऑप्शन रहा तो अच्छा है। कॉल्ड कंट्रोल सी कंट्रोल वी यूज़ कर रहा है आप, यूज़ नहीं हो रहा है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं है। इसके लिए आपको टैली में कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट सी कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए कंट्रोल ऑल्ट वी करना है। ठीक है, बाहर से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट वी ऐसा पेस्ट करके आइटम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से कॉपी करके टैली से कुछ कॉपी करके टैली में ही पेस्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ करना है आपको, ये फाइनेंस एन का कुछ डिटेल्स आपको
कॉपी करना है. फॉर एग्जाम्पल ले वन फ्रेंड्स, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसको कॉपी करना चाहते हो आप, कॉपी करके बाहर कुछ पेस्ट करना चाहते हैं एक्सेल में या कहीं भी. कंट्रोल ऑल्ट सी किया, एक्सेल में गया, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल वी, बाहर माइक्रोसॉफ्ट का जो भी प्रोडक्ट है उसमें कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी होगा. ठीक है, टैली में ऑल्ट ऐड होगा, कंट्रोल ऑल्ट सी कॉपी के लिए, कंट्रोल ऑल्ट वी पेस्ट के लिए. ठीक है, हो गया थर्ड. और फोर्थ है ऑल्ट सी कैलकुलेशन. ठीक है, कैलकुलेशन कैसा कर सकते हैं ऑल्ट सी यूज करके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको सेल्स इनवॉइस में एक एग्जाम्पल बताऊंगा. सेल्स में कभी कभी टैली में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कभी कभी कैलकुलेशन, ये वैट या जीएसटी कैलकुलेशन गलत होगा, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो तब आपको टिक करने के बाद आपको डाउट होता है कभी कभी ये कैलकुलेशन ठीक है या नहीं, तो यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ता है आपको. तो क्या करेंगे आप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 637 के ऊपर 9% 57375 कैलकुलेशन किया है, ये ठीक है या नहीं चेक करना है आपको. इसको क्या कर सकते हैं आप, आपको कैसा भी कॉपी का पता है, कंट्रोल ऑल्ट सी ये अमाउंट को कॉपी कीजिए, ये जीएसटी सीजीएसटी में वो फील्ड में कर्सर रखिए, ऑल्ट सी दबाइए, सी फॉर कैलकुलेटर, ऑल्ट सी दबा के अमाउंट पेस्ट कीजिए. पेस्ट करके आपको इनटू 9% देखिए पक्का है 57375, ऐसा क्रॉस चेक कर सकते हैं, या जो भी कैलकुलेशन आपको करना है ऑल्ट सी करके कैलकुलेशन कुछ करके एंटर किया तो वहां पे रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, ये कैलकुलेशन है, फोर्थ हो गया. और नेक्स्ट सेम है ऑल्ट सी, मगर इसका यूज अलग है. क्या करना है, क्रिएट करने के लिए दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नया आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, देखिए जो भी फील्ड है वहां मतलब वैसा यूज होगा. यहाँ पे स्टॉक आइटम फील्ड है, यहाँ से ऑल्ट सी किया तो स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन में गया. ठीक है, जो भी आइटम ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, नया आइटम क्रिएट हो गया, नया आइटम क्रिएट करने के लिए. ठीक है, वैसा ही आपको कुछ लेडजर क्रिएट करना है तो लेडजर फील्ड में, ये लेडजर फील्ड है देखिए, ये लेडजर फील्ड में ऑल्ट सी किया तो लेडजर क्रिएशन स्क्रीन में जाएगा. आपको नॉर्मली लेडजर कैसा क्रिएट कर करते हैं वैसा कर सकते हैं. ठीक है, नॉर्मली ये अकाउंट्स इन्फो लेडजर क्रिएट गेटवे ऑफ टैली से करना है, ये शॉर्टकट की है. ठीक है, ऑल्ट सी जो भी फील्ड है मतलब अमाउंट नंबर का जो भी फील्ड है वहां पे किया तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर पैनल एक्टिव होगा, या स्टॉक आइटम फील्ड में किया तो सिलेक्शन फील्ड में किया तो स्टॉक आइटम क्रिएशन में जाएगा, लेडजर सिलेक्शन फील्ड में किया तो लेडजर क्रिएशन में जाएगा, ऑल्ट सी. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट है वी. नॉर्मली आप अकाउंटिंग वाउचर में जाना है टैली में तो क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली से यहाँ जाके अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंटर करेंगे, यहाँ जहाँ कहीं भी हो आप गेटवे ऑफ टैली में सिर्फ वी प्रेस कीजिए, शॉर्टकट किए हैं, वी प्रेस किया तो आप इजीली अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे. आज से अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए आप यहाँ आके यहाँ ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्ट की तरह टैली यूज़ कीजिए, वी प्रेस कीजिए. ठीक है, शॉर्टकट यूज कीजिए, पूरा सीखने के बाद वो यूज भी करना है आप. ठीक है, क्रिएट ए स्टॉक आइटम, और एक स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली एंट्री से नहीं, डायरेक्टली स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए नॉर्मल वे में की कॉम्बिनेशन एक है शॉर्टकट की. नॉर्मली क्या करते हैं, इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट ऐसा करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की है आई आई सी किया तो इन्वेंटरी इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट में आ जाएगा. ठीक है, आई आई सी नया आइटम क्रिएट करने के लिए, ये हो गया. लेडजर क्रिएट करने के लिए ALC
नॉर्मली लेडजर कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट्स इन्फो लेडजर क्रिएट, इसके बदले में ALC कीजिए, लेडजर क्रिएशन स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेस्ट लास्ट नरेशन। लास्ट नरेशन मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ गया मैं, फॉर एग्जांपल पेमेंट में गया, एक एंट्री पोस्ट किया, अच्छा सैलरी का एंट्री लूँगा मैं, पेड टू ये फर्स्ट एंट्री है। ठीक है, और एक एंट्री पोस्ट करूँगा मैं सैलरी पेड टू बी। मैं दो शॉर्टकट की एक ही साथ बताऊंगा, कंट्रोल आर आर और आल्ट आर का। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट एंट्री में कुछ सेम एंट्री पोस्ट करना है सैलरी का, कुछ लिया मैं 15,000, लास्ट नरेशन पेस्ट करना है तो कंट्रोल आर, मतलब पेड टू बी, सेकेंड एंट्री में पेड टू बी किया, कंट्रोल आर किया तो लास्ट एंट्री आएगा, लास्ट टू लास्ट उसका पहले का यहाँ पे पेस्ट करना है तो ऑल्ट आर के लिए, कंट्रोल आर लास्ट नरेशन पेस्ट करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है व्यू आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ कस्टमर फ्रॉम द लेडजर। ठीक है, इसके लिए क्या है, ऑल्ट बी, ऑल्ट बी, फॉर एग्जाम्पल आप डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेडजर में है, ठीक है, ये पार्टी में है, यहाँ पे आपको ये पार्टी का आउटस्टैंडिंग बिल्स देखना है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग बिल्स, पेड नहीं, सिर्फ आउटस्टैंडिंग बिल्स, इसके लिए क्या करना है, ऑल्ट बी किया तो इतना भी आउटस्टैंडिंग बिल्स है सिर्फ वो दिखाएगा। ठीक है, ये मतलब आपको ये रिपोर्ट दिखाने के लिए आपका रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस जो सेलेक्ट करते हैं एंट्री का टाइम में, वो आप ठीक से यूज करना है। ठीक से अगर न्यू रेफरेंस सेलेक्ट नहीं किया सेल्स करने का टाइम में, न्यू रेफरेंस नहीं लिया, तो यहाँ पे नहीं आएगा ये रिपोर्ट। ठीक है, ये हो गया ऑल्ट बी का। ठीक है, और नेक्स्ट है स्पेस बार, इधर ही और एक है ऑल्ट बी जब करते हैं इसमें अमाउंट कैलकुलेट करना है सेलेक्टेड बिल का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोचिए एक 10-15 है, तो एक 4-5 का टोटल मिला के कितना है हो जाएगा, उतना अमाउंट पे करूँगा, कितना है बोलिए, बोलेगा कस्टमर, तो आपको क्या करना है उसका, सिर्फ ये फर्स्ट टू का कैलकुलेट करना है अमाउंट। इसके लिए कैलकुलेट सेपरेट करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्पेस बार दबाइए, स्पेस बार, देखिए यहाँ पे आ गया अमाउंट, इसको नेक्स्ट बिल ऐड करना है स्पेस बार, दोनों का इतना हो गया, ये शॉर्टकट की है। ठीक है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में या पेएबल में ये वर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक आइटम या लेडजर ऑल्टर। फॉर एग्जांपल आप एंट्री में कुछ कर रहे हैं, ठीक है, एंट्री में कुछ कर रहे हैं, इसको एडिट करना है, ये लेडजर को एडिट करना है। ठीक है, एडिट करना है तो फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हैं, कंट्रोल एंटर है शॉर्टकट की, कंट्रोल एंटर, नॉर्मली आप क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो लेडजर ऑल्टर में जाके करना है, यहाँ पे कुछ एडिट करना है तो लेडजर में यहाँ पे सीधा कंट्रोल एंटर दबा के एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट या स्टॉक आइटम भी, फॉर एग्जांपल आपको स्टॉक आइटम एडिट करना है, सेल्स में कुछ कर रहे हैं, स्टॉक आइटम का नेम कुछ अलग है, एडिट करना है तो कंट्रोल एंटर यहाँ पे जाएगा, कुछ भी इसको चेंज कीजिए, कंट्रोल एडिट हो जाएगा। ठीक है, रिमूव दी अननेसेसरी सेलेक्टेड आइटम फ्रॉम दी वाउचर एंट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए ये आप सेल्स में है, सेल्स में आप
आइटम सेलेक्ट किया, सेल्समैन बोल रहा है ये आइटम है, ये आइटम है, ये आइटम है, बोल रहा है। बोला ये आइटम सेलेक्ट किया आपने, उसके बाद बोला ये आइटम नहीं चाहिए, एक आइटम काफ़ी है। उसके बाद इसको रिमूव करने के लिए स्पेस बार दबा के एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करके रिमूव करना है, वो करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट की एक है कंट्रोल डी, ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद सेव कर सकते हैं आप, ठीक है, कंट्रोल डी, ये हो गया कंट्रोल डी। नेक्स्ट है रिमूव द अननेसेसरी लाइन, ठीक है, मैं दिखाऊंगा रिपोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल इतना चार सेल्स है, ठीक है, चार सेल्स का इतना हो गया, इसमें एक कैश सेल्स निकालना है, ठीक है, सिर्फ ए वन ट्रेडर्स, फॉर एग्जाम्पल ए वन ट्रेडर्स का कितना टोटल है ये देखना है आपको, तो सेपरेट कैलकुलेशन कैलकुलेटर लेके सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज़ कर सकते हैं, ये लाइन निकालना है, ऑल्ट आर, देखिए वो हो गया वो लाइन, बाकी का जितना भी उसका टोटल आया, ठीक है। अच्छा, ये स्टॉक आइटम का कोई भी रिपोर्ट में ये यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक आइटम का आप देखना चाहते हैं वैल्यू स्टॉक समरी में, तो यहाँ पे ये लाइन निकालना है मुझे, ऑल्ट आर, देखिए ठीक है टोटल ऐसा आया। तो बाय मिस्टेक 10-15 हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स है फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन में, तो कुछ बाय मिस्टेक निकाल दिया आप, उसको वापस लाना है तो स्क्रीन से बाहर जाके फिर सर्कस करना पड़ता है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे और एक शॉर्टकट की है ऑल्ट यू, जो भी रिमूव किया उसको वापस लाने के लिए, ठीक है, ऑल्ट यू, ऑल्ट आर, ऑल्ट यू हो गया। इसके बाद है कंट्रोल एंड या कंट्रोल शिफ्ट एंड, ठीक है, कोई भी स्क्रीन हो, फॉर एग्जांपल आप डे बुक में हैं, डे बुक में बहुत सारा एंट्री रहेगा आपका, लास्ट में जाना है, सबसे लास्ट एंट्री में जाना है आपको, तो कंट्रोल एंड यूज़ कीजिए, ऐसा डाउन एरो यूज़ करके टाइम लगेगा, कंट्रोल एंड, कुछ कीबोर्ड में कंट्रोल एंड यूज़ नहीं होता है, जैसा कि मेरा कीबोर्ड में कंट्रोल, तब शिफ्ट यूज़ करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड, देखिए वैसा ही स्क्रीन का बिगिनिंग में जाने के लिए कंट्रोल होम या कंट्रोल शिफ्ट होम, ये एंड होम दोनों भी नंबर पार्ट में जो है आपका कीबोर्ड में नंबर पार्ट जो है उसमें मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल राइट हैंड साइड में जो नंबर पार्ट रहता है उसमें मिलेगा होम एंड, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ रिपोर्ट में नहीं, एंट्री में भी आपको कुछ यहाँ से सीधा जाना है आपको नरेशन में, नरेशन कुछ एडिट करना रहता है, एंटर 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 करके जाने में बहुत टाइम लगेगा, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड नरेशन में सीधा जाएगा, सिर्फ नरेशन एडिट करके आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद है सेलेक्ट द लाइन ऑफ आइटम इन एनी रिपोर्ट, आपको कुछ एंट्रीज डिलीट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें ये पेमेंट डिलीट करना है और एक ये पेमेंट डिलीट करना है, नॉर्मली आप ऐसा जाके डिलीट किया तो सिर्फ एक डिलीट होगा, मुझे सेलेक्टेड करना है, ये करना है, ये करना है, इसके लिए सेलेक्ट करने के लिए की यूज़ कर सकते हैं आप स्पेस बार, ये यूज़ सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट, अभी ऑल्ट डी किया तो ये तीनों उड़ जाएगा, ठीक है, इसे सेलेक्टेड आइटम डिलीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या ये स्क्रीन में जो भी दिख रहा है पूरा एक ही बार सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है मुझे, तो कंट्रोल स्पेस बार, सिर्फ एक के लिए स्पेस बार, सब सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार, ठीक है, ये दोनों हो गया। इसके बाद है मूव टू दी नेक्स्ट एंट्री, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आप सेल्स में हैं, ठीक है, ये एंट्री चेक कर रहे हैं आप, नंबर वन का है वाउचर नंबर वन, ठीक है, इनवॉइस नंबर वन, टू का देखना है, टू का देखना है तो आप यूज़ कर सकते, यहाँ से बाहर जाके और टू में जाके देखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही जा सकते हैं, पेज डाउन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो शिफ्ट स्पेस पेज डाउन, शिफ्ट पेज डाउन, मेरा कीबोर्ड में शिफ्ट पेज डाउन होता है, आपका कीबोर्ड में सिर्फ पेज डाउन भी हो सकता है, ट्राई कीजिए।
ये नेक्स्ट एंट्री के लिए, देखिए टू हो गया नंबर, ये नंबर देखते रहिए, पेज डाउन, थ्री हो गया, फोर, अभी प्रीवियस जाने के लिए पेज अप या शिफ्ट पेज अप, थ्री टू वन, ठीक है, ये हो गया पेज अप पेज डाउन। एड वाउचर फ्रॉम द रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आप, ठीक है, और एक एंट्री पोस्ट करना है आपको, यहाँ से बाहर जाके गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर में जाके करना है, वो सब करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट की यूज कीजिए, ऑल्ट की कीजिए, यहाँ से नया एंट्री का स्क्रीन ओपन हो जाएगा, यहाँ से एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एड वाउचर हो गया। और सेव एनीथिंग एट वन शॉट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये एंट्री में कुछ चेंजेस किया आपने, हॉट रोल्ड कॉइल नहीं, दूसरा आइटम लिया, ठीक है, दूसरा आइटम करके ये अमाउंट सब बराबर किया, उसके बाद एंटर 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 करके एंड तक जाके सेव करना है, नॉर्मली वो करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट की यूज़ कीजिए, कंट्रोल ए, एक ही बार में सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव नहीं थी, कोई भी स्क्रीन में आप कुछ चेंजेस करके सेव करना है तो कंट्रोल ए, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट में जाने के लिए आपको नॉर्मली आप क्या करते हैं, यहाँ से जाके अगर ऊपर है तो यहाँ जाके बैलेंस शीट यहाँ एंटर करते हैं, शॉर्टकट की क्या है, बी, बी फॉर बैलेंस शीट। स्टॉक समरी में जाने के लिए शॉर्टकट की एस, स्टॉक समरी। प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के लिए पी, ठीक है, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, एस फॉर स्टॉक, स्टॉक समरी, बी फॉर बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में जाने के लिए डी टी, ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ठीक है। वैसा ही आपको डे बुक में जाना है तो गेटवे ऑफ टैली से डी डी, डे बुक, ठीक है। और टैली क्विट करना है, यहाँ से टैली क्विट करना है तो कंट्रोल क्यू, नॉर्मली आप एस्केप 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 करके एंटर करते हैं, तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, कंट्रोल क्यू, टैली क्लोज हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना है, मैं सोचता हूँ आपको ये बहुत यूज़फुल होगा, ये प्रैक्टिस कीजिए आप, यूज़ कीजिए शॉर्टकट की इसको, बहुत ही यूज़फुल है, वर्क करने में आपका बहुत टाइम बचाएगा। आज के लिए इतना है, अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, बहुत सारे और भी शॉर्टकट कीज है, मैं बताऊंगा आपको फ्यूचर वीडियोस में, और टिप्स एंड ट्रिक्स टैली का या मोबाइल का एक्सेल का भी वीडियोस में बनाता रहूँगा। मेरा हर एक वीडियो देखने के लिए आप अगर चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो लाइक कीजिए इसको, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।